तो गाइस फाइनली देख सकते हो मेरा पोजीशन या जो कोऑर्डिनेट्स होता है वो ऑन हो चुका है। तो गाइस आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों को दिखाएंगे कैसे माइनक्राफ्ट के अंदर पोजीशन या जो कोऑर्डिनेट्स होता है वो ऑन कैसे करोगे, या बोल सकते हो एक्स वाई जेड जो है वो ऑन कैसे करोगे, क्योंकि पीसी के अंदर आप लोगों को पता है F3 यूज करने पर आप लोगों को जो पूरा फुल कोऑर्डिनेट्स देखने को मिल जाता है, बट मोबाइल के अंदर थोड़ा दिक्कत होता है। तो उसको ऑन करने के लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग के अंदर, मतलब आपका गेम का सेटिंग के अंदर। तो मैं सेटिंग के अंदर आ चुका हूं, आने के बाद आपको थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा सेटिंग के अंदर। आने के बाद थोड़ा नीचे आने के बाद आपको इधर से ऑप्शन शो होगा, शो कोऑर्डिनेट्स बोल के ऑप्शन शो होगा, तो इसको आपको ऑन कर देना पड़ेगा। जो ये ऑप्शन में ऑन कर रहा हूँ ना, इसको आपको ऑन कर देना पड़ेगा। तो मेरा ऑन हो चुका है, एंड ऑन होने के बाद मैं सेटिंग करना चाहता हूँ। सेटिंग करना आने के बाद देख सकते हो मेरा लेफ्ट साइड के कोने में देख सकते हो ऊपर में पोजीशन बोल के ऑप्शन आ चुका है, जिससे मेरा कोऑर्डिनेट शो हो रहा है। और ये जो 2000 देखने को मिला ये एक्स, और जैसे 64 ये वाई, और -290 जो देखने को मिला ये जेड। तो एक्स वाई जेड इधर ऑन हो चुका है, तो यह बोल सकते हो पोजीशन या बोल सकते हो कोऑर्डिनेट्स। तो ये ऑन हो चुका है, एंड इस तरीके से आप लोग जो माइनक्राफ्ट का कोऑर्डिनेट्स ऑन कर सकते हो। तो गाइस वीडियो इतना था, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।